देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब तक बिहार में 9000 के पार आंकड़े चले गए हैं। बावजूद राज्य में लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। इन सब के बीच बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी पटना के गोविंद मित्रा रोड को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि गोविंद मित्र रोड में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर के बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने स्वेच्छा से मंडी को 3 दिनों तक बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मंडी को मात्र 1 दिन के लिए ही बंद किया जाएगा। जैसे 4 दिन पहले एक कंपनी के प्रतिनिधि भी डेथ किए हैं भारत सीरम का, उसके बाद हम लोग के मार्केट में उदय प्लेस में एक व्यक्ति संक्रमित हुए हैं जिनका पॉजिटिव केस हुआ, जो हम लोग के बीच के ही एक दुकानदार हैं। तो वो लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे थे, फिर एसोसिएशन के पहल करते हुए फिर लिया गया कि नहीं हम लोग मतलब बंदी के दौरान सारा मार्केट को सैनिटाइज कर लें, और हम लोग सरकार से भी गुहार लगाएं कि सैनिटाइज सरकारी व्यवस्था के हिसाब से भी होना चाहिए। क्या जवाब मिला? वो लोग कमिटमेंट किए हैं, तो हम लोग परसों ही दिए ही हैं मंडे को, तो वो लोग बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम लोग करेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत है और इसे कम करने के लिए पूरे क्षेत्र में दवा दुकानों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग किस तरीके से मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहे हैं। 3 दिन का बंदी हम लोग वापस ले लिए, 1 दिन हम लोग फैसला किया है एसोसिएशन के तरफ से कि 1 दिन बंद होगा, जो आज बंद है, और सैनिटाइज करने के लिए ही खास करके बंद किया गया। क्योंकि हमारे सदस्य को कोरोना संक्रमित हो गए हैं हमारे, इसलिए हम लोग ने 1 दिन का ऐलान किया है कि 1 दिन बंद करेंगे और सैनिटाइज करेंगे पूरे जीएम रोड को, पूरे मंडी को। बहरहाल कोरोना महामारी में लोगों को दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे बड़ी दवा मंडी को बंद किया गया है। बता दें कि दवा दुकान 1 दिन के लिए बंद होने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। देखना होगा कि आखिर कब तक खत्म होती है देश से कोरोना महामारी। पटना से ओंकार आवामी की रिपोर्ट।